दोस्तों, आप हो या मैं, हम हमेशा यही जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। जो लोग हमें नहीं जानते या जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके हमारे बारे में क्या राय है, ये बात बहुत ही कम लोगों को परेशान करती है। लेकिन हमारे दोस्त और जानकार हमारे बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, पीठ पीछे हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये बात तो हर किसी के लिए जिज्ञासा का विषय हो सकती है। ये वीडियो आपकी इसी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भले ही गुप्त तौर पर लोग आपके बारे में बहुत कुछ सोचते तो हैं, लेकिन वो कभी आपको इस विषय में बताने वाले नहीं हैं। अब आपके बारे में वो क्या एक खास चीज है, ये हम आपकी राशि अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के लोगों को हर बात को युद्ध के माहौल में बदलने की आदत होती है, और ये बात आपके नजदीकी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो किसी भी रूप और किसी भी स्थिति में आपसे बहस नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि आप हर चीज में नकारात्मकता ढूंढ लेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक बहुत ही क्यूट माने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को गुस्सैल और कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप वाकई में कठोर नहीं हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा। इसका कारण यही है कि आप ये सब सुनकर अपना गुस्सा और तेज कर लेंगे। मिथुन राशि। आपके दोस्त यह नहीं समझ पाते कि आप उनके लिए फिक्रमंद हैं या उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप वाकई उनके दोस्त हैं भी या नहीं, उन्हें आपके विषय में कंफ्यूज करती है। लेकिन वो कभी आपसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं आपका ये बिहेव बदल न जाए। कर्क राशि। इस राशि के जातक निसंदेह इस दुनिया के सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले लोग हैं। ये लोग अत्यधिक संवेदनशील और भावुक होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी भी है। आपके दोस्त या रिश्तेदार कभी आपको इस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया से बहुत डर लगता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को हर हाल में आकर्षण का केंद्र बनने की ख्वाहिश रहती है। अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वे न जाने क्या क्या करते भी रहते हैं। हर कोई उनकी इस हरकत से परिचित भी है। बहुत से लोग उन्हें अटेंशन देते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें टेढ़ी नजर से देखते हैं। सिंह राशि के जातकों का अहम बहुत जल्दी चोटिल होता है, इसलिए उन्हें कोई यह नहीं बताता कि वे लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने के लिए भूखे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की गिनती उन लोगों में की जाती है जो हर समय यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे सबसे ज्यादा मेहनती और अपने काम को लेकर गंभीर हैं। उनकी इस आदत का खामियाजा उनके दोस्तों को भुगतना पड़े तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होती। शायद कभी आपको कोई ये बात ना बताए, लेकिन उन्हें आपके इस व्यवहार से समस्या तो है। तुला राशि। तुला राशि के जातक भी कुछ कुछ मेष राशि के जातकों की तरह होते हैं। वे बात बात पर बहस करने लग जाते हैं। इन्हें हर बात में न्याय चाहिए। वे बहस को आजीवन चला सकते हैं, जब तक कि उन्हें न्याय न मिल जाए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर एक ज्वालामुखी होता है, जिसे छेड़ना गलती हो सकती है। अन्य लोग आपकी डार्क साइड से डरते हैं, इसलिए आपको कुछ भी कहना नहीं चाहते, चाहे आपकी बात उन्हें कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। धनुराशि। धनुराशि के जातकों में आत्मविश्वास की कुछ ज्यादा ही अधिकता होती है। वे किसी से डरते नहीं हैं, दिल में जो होता है वह बोल देते हैं, और वो भी किसी की भी भावनाओं की परवाह किए बगैर। आपसे पंगा लेना उनके लिए ही खतरा बन सकता है, इसलिए वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातक अत्यधिक निराशावादी होते हैं। ये दूसरों का आत्मविश्वास भी तोड़ते हैं। अगर किसी का कोई प्लान या कोई सपना होगा, तो यकीन मानिए आप आखिरी इंसान होंगे जिसे इस बात का पता चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके प्लान को भी खराब कर देंगे। कुंभ राशि। आपका स्वभाव अस्थायी है और हर कोई इस बात से अच्छी तरह परिचित भी है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा। इस कारण आप अक्सर अकेला महसूस करते हैं, आप अक्सर अकेले रह जाते हैं। एक दिन तो आप सभी के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, और अगले ही दिन आप ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें जानते भी नहीं। ये बात किसी को भी परेशान करती है, इसलिए लोग आपसे दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। आपको शायद इस बात का बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि आपके ऊपर विश्वास करना वाकई कठिन है। आप बहुत आकर्षक या फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन हर कोई ये बात जानता है कि आपके ऊपर विश्वास तो कदापि नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।